हेलो वेलकम टू केन स्टडीज सी ए पी एफ ए सी ट्वेंटी ट्वेंटी टू के लिए ये मैं वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों का डिमांड था कि अब ट्वेंटी ट्वेंटी टू का किया जाए इनफेक्ट पहले से ही डिमांड था लेकिन एक साथ जो है आप मल्टीपल को नहीं कंसीडर कर सकते हो क्योंकि तो ऑलरेडी देखो ट्वेंटी ट्वेंटी टू ट्वेंटी ट्वेंटी का अभी uh, प्रोसेस बाकी है ट्वेंटी ट्वेंटी वन अभी जस्ट रिटर्न फिनिश हुआ है तो अब जो है रिटर्न uh, पार्ट जो है 2022 का अब वर्क होगा तो ये सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि कहाँ से स्टार्ट करें जो शुरू करें कहां से करें जो प्रीवियस ईयर के प्लेयर हो जो ऑलरेडी दे चुके हो उनको पता है उनको सारी चीजें पता है अब देखो इस इस वीडियो में हम डिटेल सारी चीजें नहीं करेंगे इसमें हम बुक्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या आपको पढ़ना है पढ़ाई कहाँ से स्टार्ट करना है असिस्टेंट कमांडेंट क्या होता है उसका जस्ट एक ब्रीफ इंट्रो दूंगा लेकिन उसका डिटेल देखने के लिए एक वीडियो ऑलरेडी हम बना चुके हैं उसका आपको लिंक दे देंगे वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा उस लिंक को क्लिक करके आप आप असिस्टेंट असिस्टेंट कमांडेंट कमांडेंट के बारे में डिटेल सारी चीज़ें आप जान सकते हो जानोगे कि उस आ, क्या है असिस्टेंट फिर उसके बाद उनकी ट्रेनिंग क्या होती है एग्जामिनेशन प्रोसेस क्या है फिजिकल स्टैंडर्ड क्या है फिर सैलरी क्या मिलती है ये सारी चीजें उसमें मिल जाएगी तो आप दूसरे वीडियो को देख लेना लेकिन इसमें हम स्टडी के बारे में बात करेंगे कि कहाँ से आपको शुरुआत करने हैं पढ़ाई ठीक है तो ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन है कि असिस्टेंट कमांडेंट असिस्टेंट कमांडेंट जो है अथ्री स्टार ऑफिसर इक्विवेलेंट टू असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस और डीवाई एसपी एसपी ठीक है तो ये थ्री स्टार ऑफिसर का मतलब ये है कि आप इंसिग्निया में थ्री स्टार लगाओगे इंसिग्निया में जो कंधे पे स्टार लगाते हो उसके जो इंसिग्निया में थ्री स्टार एक थ्री स्टार होते हैं कि जो आपके लेफ्टिनेंट जनरल होते हैं ठीक है तो लेफ्टिनेंट जनरल होते हैं या फिर आपके ये जो जो सी है उसके डायरेक्टर जनरल होते हैं वो डायरेक्टर जनरल जो भी होते हैं वो थ्री स्टार लगाते हैं ठीक है वो अपने थ्री स्टार इन द सेंस की उनकी गाड़ी वगैरह में देखोगे तो थ्री स्टार लगता लेकिन यहाँ थ्री स्टार का मतलब है ठीक है कि यहाँ आपके त, आ, थ्री स्टार का मतलब इन में जो कंधे पे लगाते हो वो थ्री स्टार ठीक है तो कुछ जगह जो आपके असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस उसको बोलते हैं और कुछ जगह डी वाई एस पी इनफैक्ट असिस्टेंट कमांडेंट को इनिशियली जो जब यूपीएससी नहीं लेती थी उसके पहले उसको डी वाई एस पी कहा जाता था यानी डेप्यूटी कहा जाता था तो यू हैव टू चूज एनी ऑफ द फाइव फोर्सेज एमोंग बी एस एफ सी आई एस एफ सी आर पी एफ आई टी बी पी एस एस बी डिपेंडिंग ऑन यूर रैंक एंड प्रिफ्रेंस तो रैंक और प्रीफ्रेंस के अनुसार देखो जनरली जो है कि सी आर एस एफ लोग फर्स्ट प्रिफ्रेंस देते हैं उसके बाद एस एस बी देते हैं लेकिन अलॉट ऑफ टाइम हमेशा टॉप टेन में कुछ कैंडिडेट हमेशा होते हैं जैसे इस बार नाइन्थ रैंक यानी कि टू थाउजेंड नाइनटीन का जो नाइन्थ रैंक है वो उन उस कैंडिडेट को हमने गाइड किया था तो उन्होंने फर्स्ट प्रेफरेंस आईटीबीपी दिया था बट बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं लास्ट आईटीबीपी देते हैं तो ये अपनी अपनी चॉइस होती है लेकिन सबसे पहले आपका रैंक डिसाइड करता है रैंक यदि आपका फर्स्ट में है फर्स्ट यानी कि सपोज टॉप ट्वेंटी थर्टी फोर्टी वोट्स वेबर है तो आपको अपनी च्वाइस के अनुसार मिल जाता है डिपेंडिंग ऑन कितने सीट्स है उस पर्टिकुलर फोर्स में एग्जाम आप जान रहे हो यूपीएससी कंडक्ट करवाती है 2005 से यूपीएससी कंडक्ट करवा रही है टोटल थ्री स्टेज होते हैं फर्स्ट स्टेज जो है कन्वेंशनल पेपर टू हंड्रेड मार्क्स वो सारे डिटेल जो है आप जो एक वीडियो के बारे में हमने बताया उसका लिंक जो रहेगा उस पर क्लिक करके आप देख सकते हो फिजिकल और मेडिकल मार्क्स नहीं है लेकिन इसको क्वालिफाई करना जरूर

फिर आपका फिजिकल टेस्ट उसमें मेल के लिए इवेंट्स हैं और फीमेल के लिए थ्री हैं तो तीसरा जो है इंटरव्यू है पर्सनालिटी टेस्ट यानी 150 मार्क्स का तो देखो इसमें आपका रिटेन आपका 450 हो गया और इंटरव्यू में यानी पर्सनालिटी टेस्ट में 150 यानी 600 मार्क्स में ये मेरिट लिस्ट बनेगा जो अभी तक का हाईएस्ट कट ऑफ है वो 318 अभी जो 2019 का रिजल्ट आया है लेकिन इसमें चूंकि ई का अभी बाकी है और कुछ रिजर्व लिस्ट तो हो सकता है ये 315 के करीब आ जाए कट ऑफ लेकिन अभी तक का जो है वो 318 और उसके पहले जो है 316 जो कट ऑफ गया था वो 2017 में तो आपको ये 600 में टारगेट ये रख के चलना है कि थ्री हंड्रेड फोर्टी करीब हम मार्क्स ले आए 340 प्लस का आपको टारगेट रखना पड़ेगा यू डोंट नो ना कि कितने सीट्स आएंगे। सीट्स आएंगे यदि ज़्यादा आते हैं पेपर थोड़ा टफ होता है तो कट ऑफ कम जाएगा पेपर नॉर्मल होगा तो कट ऑफ ज्यादा जाएगा सीट्स कम होगा तो कट ऑफ ज्यादा जाएगा तो ये डिपेंडिंग ऑन तो वो उसको आप ये देखना अब मैं यहाँ बुक्स के बारे में डिस्कस करता हूँ कि कहाँ से आपको स्टार्ट करना है देखो यदि आप एकदम जीरो हो एकदम जीरो तो नहीं हो मान के चलो लेकिन फिर भी मान के चलो कि किसी का साइंस बैकग्राउंड से आप थे या कॉमर्स बैकग्राउंड से थे आपने इन सारे सब्जेक्ट्स को टेंथ के बाद नहीं कवर किया तो आपको नॉर्मली क्या है पॉलिटी पॉलिटी बुक में देखोगे लक्ष्मीकांत लक्ष्मीकांत आपका मैंडेटरी है ये एक तरह से इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हो सिर्फ और सिर्फ लक्ष्मीकांत को ही ये कोई करे तो भी उनसे क्लियर हो जाता है लेकिन उसके बाद क्वेश्चन चूंकि डायरेक्ट इनसे पूछे जाते हैं तो कुछ और ये वाला आपको एक बेसिक्स लक्ष्मीकांत तो आपको हर हाल में रखना है फिर आपका एनसीईआरटी का जो है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क एनसीईआरटी क्लास 11 का जो पॉलिटी का है अब देखो यदि आप हिंदी मीडियम के हो तो हिंदी मीडियम के हो तो हिंदी वाला बुक लोगे इंग्लिश मीडियम के हो तो इंग्लिश वाला बुक लोगे तो ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क ये क्लास अलेवेंथ uh, uh, का है एनसीईआरटी का नेक्स्ट है पॉलिटिकल थ्योरी ये आपका एनसीआर का क्लास अलेवन का है ये आपका पेपर टू में हेल्प करेगा पेपर टू में बहुत अच्छा आपका हेल्प करेगा फिर आपका क्लास ट्वेल्थ का जो है वो आपका पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस इंडियन पॉलिटी किस ढंग से पॉलिटिक्स सेप किया है क्योंकि हर बार देखोगे कि पोलिटिकल क्वेश्चन आपसे पूछे ही जाते हैं इस बार भी देखो पोलिटिकल क्वेश्चन पूछे गए तो यूजफुल इन पेपर टू एज वेल और कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स क्लास ट्वेल्थ का ये ऑप्शनल है इसको आप पढ़ भी सकते हो नहीं भी पढ़ सकते हो लेकिन ये एकदम मैंडेटरी है उसके बाद अभी आपके पास टाइम है तो इनको भी कवर करो और ये भी कवर कर लोगे जितना कवर करोगे मैंने एक्स्ट्रा नहीं लिखे हैं वही लिखे हैं जो कि आपको कवर करने चाहिए तो ये एकदम इसको नहीं इग्नोर कर सकते हो किसी कीमत पे और बाकी इन चीजों को इनफैक्ट यदि कोई लक्ष्मीकांत इग्नोर कर दे और इनको भी करेगा तो उसमें ऑलमोस्ट चीजें क्लियर हो जाएगी लेकिन लक्ष्मीकांत में जो है रिक्वायरमेंट के अनुसार ही देखो जो एनसीआर है एनसीआर आपके लिए नहीं बनाया गया है एन जो बनाया गया है क्लास अलेवेंथ और ट्वेल्थ के बच्चों के लिए उनके लिए बनाया गया है लेकिन आपको बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट उससे पूछे जाते हैं तो ये सिलेबस में आपको प्रिस्क्राइब किए जाते हैं क्योंकि इस वजह से आपको टेंथ 11 12th लेवल के ही पूछते हैं क्योंकि यहाँ आपको कॉमन सेंस और एप्लीकेशन चाहिए ऐसा नहीं है कि ग्रेजुएशन के सारे चीजें आपसे एकेडमिक सिर्फ नहीं पूछा जा रहा है एक तरह से क्वेश्चन जो होते हैं वो कॉमन सेंस आपका चेक करने के लिए कि क्या कोई 12th क्लास का बच्चा जिस चीज को कवर कर रहा है आप उसको कवर करने के एबल हैं यदि एबल हैं तो दैट्स फाइन दैट्स वेरी गुड ठीक है तो ये करंट अफेयर्स अब है कि हिस्ट्री हिस्ट्री में देखो मॉडर्न के लिए एस्पेक्ट्रम पढ़ो पढ़ सकते हो आ, लेकिन यदि आप एस्पेक्ट्रम नहीं पढ़ना चाहते हो तो इन सारे बुक्स को आप पढ़ो देखो ये एनसीईआरटी क्लास ट्वेल्थ में तीन पतली पतली बुक हैं एक आपका थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री तो पार्ट वन पार्ट टू पार्ट थ्री पार्ट वन जो है एंशियंट इंडिया को डील करता है पार्ट टू जो है मेडाइवल इंडिया को डील करता है और पार्ट थ्री जो है वो मॉडर्न को और मेजॉरिटी क्वेश्चन इसी से पूछे जाते हैं यदि कोई कुछ ना करे तो प्रीवियस ईयर का पेपर और इस तीन बुक को भी आप कर सकते हो और एक आपका जो है एंड इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट तो ये आर्ट एंड कल्चर के लिए इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन आर्ट इसको आपको ये मैंडेटरी वाले में है एस्पेक्ट्रम देखो फॉर मॉडर्न के लिए आप कर सकते हो नहीं कर सकते हो करना चाहिए इस बार का यदि आप देखोगे तो क्वेश्चन परफेक्ट ब्लेंड में आया 20 क्वेश्चन 2021 में पूछा गया 20 क्वेश्चन हिस्ट्री से उसमें देखोगे कि सेवन आपके एंशियंट से पूछे गए सिक्स आपके मेडाइवल से पूछे गए और सेवन आपके मॉडर्न से पूछे गए एक क्वेश्चन यदि मेडाइवल में और पूछा जाता तो सेवन 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 परफेक्ट इक्वल हो जाता इस वजह से कि पहले देखो बहुत सारे कैंडिडेट थे इनफैक्ट सिविल सर्विसेज में भी क्या करते हैं मॉडर्न इस वजह से मैंने मॉडर्न का आपको कि मॉडर्न को अधिक फोकस किया जाता है क्योंकि उसमें आपके बहुत सारे इंडिपेंडेंस स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस होता है ब्रिटिश इंडिया ये सारी चीजें आ जाती है तो इसको अधिक फोकस किया जाता है लेकिन इस बार यूपीएससी ने क्या किया परफेक्ट कि बैलेंस रखा तो आप उस चीज को इग्नोर नहीं कर सकते हो इसको पढ़ लो लेकिन ये इन तीन बुक को ये जो एनसीआर का क्लास ट्वेल्थ का थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री है इसको आप जितना बार पढ़ सकते हो जितना बार पांच बार दस बार पंद्रह बार बीस बार जितना बार करोगे उतना अच्छा है और इसको इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट इसमें भी डायरेक्ट आपका जो क्वेश्चन पूछ लेता है

और एनसीएंट इंडिया एन क्लास अलेवेंथ का जो ओल्ड है आर आर एस शर्मा ये इन तीनों बुक को यदि आपके पास क्यूरियोसिटी है और इन क्यूरियोसिटी की करना चाहिए तो उसका पेपर टू वगैरह में भी लिटिल बिट समझने में आपको आसान होगा तो ये आपके हिस्ट्री के हो गए अब ज्योग्राफी ज्योग्राफी देखो यदि जोग्राफी जीरो से समझ में आ रहा है तो क्लास सिक्स से आप स्टार्ट करो कोई भी चीज में क्लास ये इसमें मैं क्लास सिक्स और सेवन नहीं कहूंगा लेकिन ज्योग्राफी एक ऐसा चीज है यदि आपको अलेवेंथ से समझ में नहीं आ रहा है तो आप क्लास सिक्स से स्टार्ट करो सिक्स सेवन एट नाइन टेन इसको आप कर सकते हो सिक्स क्लास का करोगे एक दिन में समाप्त हो जाएगा दो दिन में समाप्त हो जाएगा तो आप उसको करो ठीक है तो ये आप ऐसे अदरवाइज जो बेसिक्स है वो क्लास अलेवेंथ का जो है फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी एंड इंडिया फिजिकल इन्वायरमेंट एंड uh, ये तो ये जो क्लास अलेवन का दो बुक है फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी एंड इंडिया का फिजिकल इन्वायरमेंट ठीक है तो ये आपका uh, हो जाएगा और क्लास क्लास का जो है है दो बुक है, 12 में ये आपके ह्यूमन uh, ज्योग्राफी जो है फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी और इंडिया पीपल एंड इकोनोमी ये और मैप और एटलस ये आपके मैंडेटरी वाले में है कि इतना आप कर लोगे तो क्वेश्चन मैक्सिमम आपके बनेंगे अब उसको करने के बाद यदि आपके पास टाइम ये परमिट करता है ठीक है तो फिर क्या करना है आपको ये लेना है ऑप्शनल में जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं जीसी लियोंग ले लो एक बार तो वो फिजिकल वाले को कवर करेगा और इसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी भी कवर करेगा और हिंदी मीडियम वाले महेश बर्नवाल को ये ले सकते हो तो ये आपके पास ज्योग्राफी का हो गया इकोनॉमी इकोनॉमी में क्लास टेंथ uh, का आप कर लो अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्लास अलेवेंथ का आपका इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट और क्लास ट्वेल्थ का इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक एंड करेंट अफेयर्स में आपको बजट और इकोनॉमिक सर्वे ये आपको करना है ठीक है अब देखो जो आपके एनसीआर टी का क्लास नाइन्थ का जस्ट एक इंडियन इकोनोमी को यानी कि ग्रामीण रूरल अर्थव्यवस्था को समझने के लिए आप नाइन्थ का भी एक बार देख सकते हो देखो अब कोई जरूरी नहीं सारे बुक्स को आपको खरीदने की आ, आज के डेट में फ्री सारे जो एनसीआर के वेबसाइट पे आपको फ्री बुक्स मिल रहे हैं तो कुछ बुक को नहीं खरीदना है जो कुछ कुछ जो मैंने लिखा हुआ उसको आपको खरीदना चाहिए उसको अपने पास रखना चाहिए हमेशा के लिए और यदि आप काफी मूवमेंट में हो तो बहुत सारे बुक्स को डाउनलोड करो और स्मॉल स्मॉल नोट्स को ये तैयार रखो और फिर उसके बाद करंट अफेयर्स में आपका बजट और इकोनॉमिक सर्वे से आता है और ऑप्शनल में है कि आपके पास यदि इकोनॉमी में इंटरेस्ट है तो रमेश सिंह पढ़ो अदरवाइज मैं समझता हूँ कि इतना ही सफिशियंट है अननेसेसरी टाइम देने की जरूरत नहीं है अब देखो ये साइंस uh, में जो है साइंस में मैक्सिमम क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं क्लास नाइन्थ एंड टेंथ के एन से इसको भी आपको मल्टीपल टाइम टेन टाइम्स कम से कम करोगे तभी प्रॉपर कमांड हो पाएगा और बायोलॉजी टेक्स्ट बुक क्लास ट्वेल्थ का जो एन का है उसमें यूनिट एट नाइन ये करना है और लूसेंट जो है लूसेंट का साइंस वाला पार्ट है वो उसको आप ये कर लोगे ठीक है और करेंट डेवलपमेंट वो जो भी है वो करोगे ही इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट में है जो बायोलॉजी क्लास ट्वेल्थ वाला है उसमें यूनिट टेन करना है और प्रीवियस ईयर पेपर्स को आपको मैंडेटरी करना है प्रीवियस ईयर पेपर के सारे के हमने वीडियोज आपके बनाए हुए हैं वो आप देखो उनको मल्टीपल टाइम देखो पांच बार दस बार जितना देखो आपको लगेगा कि पांच बार दस बार नहीं यहाँ आपको करना ही पड़ेगा आप देखोगे जब एग्जाम में देकर के आओगे तब आपको पता चलेगा कि उसका कितना इंपॉर्टेंस है आप प्रीवियस ईयर वगैरह का तो शुरू में देखो क्या करो कि जो जो बेसिक्स हमने बुक आपको बताए हैं उसको आपको करना है फॉर एग्जाम्पल हिस्ट्री में मैंने बताया है, तो ट्वेल्थ क्लास का आप थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री आप तीनों बुक को पहले पढ़ो आर्ट एंड कल्चर को पढ़ो जब वो वाला दो बार तीन बार पढ़ लोगे यदि बुक आपको अभी नहीं खरीदना है कोई दिक्कत नहीं है आप एनसीआरटी की वेबसाइट से डाउनलोड करो सारे को बेसिक्स पहले एनसीआरटी को जो हमने बताया है उसको करो वो कर लेते हो आप उसके बाद आप ऑप्शनल वाले बुक लक्ष्मीकांत अभी नहीं खरीदना है मत खरीदो लेकिन आप अलेवेंथ और ट्वेल्थ का एनसीआर का डाउनलोड करके यदि आपके पास लैपटॉप है तो बेटर है लैपटॉप में क्या ना ऑर्गेनाइज ढंग से फोल्डर बना लिए और उसमें रख रहे हैं यदि लैपटॉप नहीं है मोबाइल पर ही कर रहे हो या फिर आपके पास जो भी एक किंडल है या व्हाट्सो एवर जो भी टैब है तो उस पर आप ये करो रेगुलर रूप से करना है ठीक है

तो ये सारे चीजों को आपको करना है फिर कमिंग डेज में और चीजें हम डिस्कस करेंगे और जो भी क्वेश्चंस क्यूरी है तो आप हमें मैसेज uh, करना व्हाट्सएप नंबर पे एट फाइव टू सेवन वन फोर सिक्स फोर नाइन एट या टेलीग्राम नंबर सेवन फोर जीरो फोर नाइन जीरो नाइन सिक्स सिक्स नाइन कुछ भी डाउट्स है क्वेश्चन क्यूरी है तो ओके थैंक यू